नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों यहाँ पर ना आज का जो वीडियो है ये बेसिक साइंस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई है। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चों ने एएलपी का फॉर्म भर रखा और जितने भी बच्चे आगे चल के टेक्नीशियन ग्रेड वन का फॉर्म भरने वाले हैं, ग्रेड तीन नहीं ग्रेड वन, उन दोनों सब्जेक्ट में यानी इसमें और इसमें सर दोनों वैकेंसी में बेसिक साइंस पूछा जाना है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि दोनों में बेसिक साइंस सेम है। मेरे भाई दोनों में बेसिक साइंस सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे भाई बहुत सारे चैप्टर अलग है, साथ साथ जो चैप्टर का स्टैंडर्ड हो रहा वो भी अलग है। तो मेरे भाई अगर आप जो है लोटो पायलट की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना 40 क्वेश्चन नहीं, पूरे पूरे 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आने, क्योंकि यहां जनरल अवेयरनेस हट चुका है। और ध्यान रखना जब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो टेक्नीशियन में मात्र 35 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आने, बट दोनों के क्या सिलेबस में डिफरेंस है? बिल्कुल मेरे भाई, जी हाँ एकदम डिफरेंस है। अब वो क्या है डिफरेंस, इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको यहां मैं बता दूं, यहां पर आप देखिए लोटो पायलट हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड वन हो गया, दोनों का मैंने बेसिक साइंस का ऑफिशियल सिलेबस खोल रखा। बच्चों अगर आप लोटो पायलट की बात करते हैं तो लोटो पायलट में देखिए बहुत सारे आपको टॉपिक नजर आ रहे होंगे, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बहुत सारे। लगभग यही टॉपिक आपको टेक्नीशियन ग्रेड में भी नजर आ रहे होंगे, हरा वर्क पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर सेम है। अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर जो है लीवर और सिंपल मशीन है आपके किसमें, एएलपी में। लेकिन देख लो ग्रेड वन में कहीं पर भी लीवर और सिंपल मशीन का नामो निशान नहीं है। आप देखो यहां पर आईटी लिटरेसी है सर, यहां पर इन्वायरमेंट है सर, यहां पर जो है सेफ्टी और हेल्थ है, इसके अलावा ऊपर वाले में ड्रॉइंग है, ये देखिए। लेकिन ये चैप्टर जो है नीचे नहीं है। बच्चों अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, यहां डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, यहां पर हमारा मैग्नेटिज्म है, लेकिन ऊपर देखिए मैग्नेटिज्म नहीं है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, साथ साथ अंतर भी बहुत है। बच्चों यहां पर जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो ज्यादातर हमारे 10वीं स्टैंडर्ड के आते हैं, या हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड के आए। लेकिन यहां पर जितने भी चैप्टर है, चाहे वो यूनिट एंड मेजरमेंट हो, हीट एंड टेम्परेचर हो, इसका स्टैंडर्ड जो है 12वीं या 12वीं से ऊपर हो सकता है। तो फाइनली मैंने इन दोनों के बेसिक साइंस के सिलेबस को अलग अलग चैप्टर में इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो आप सब लोग कॉपी उठाइए और कॉपी उठाने के बाद ये सारे के सारे चैप्टर लिख लीजिए। जैसे भी आप देख पा रहे हैं लोटो पायलट और टेक्नीशियन ग्रेड वन में यूनिट मेजरमेंट सेम है, मास वेट डेंसिटी सेम है, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी, हीट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी। मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी यहां छठवां सेम है। फिर इसके बाद देखिए अगर आप एलपी की बात करते हैं तो आपको सेफ्टी वाला चैप्टर पढ़ना होगा, आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट हो गया, सिंपल मशीन एंड लीवर, और इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेड वन का फॉर्म डाल रखा है बच्चों, तो ग्रेड वन वाले बच्चों के लिए ये सारे के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, इनकी जगह पर आपको क्या पढ़ना होगा, पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ना होगा, मैग्नेटिज्म के साथ पूरा इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक ठीक ठाक लेवल का है, मैं पहले बता दूं, आप टॉपिक देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, पूरी मॉडर्न फिजिक्स आएगी। लेकिन लोटो पायलट वाले बच्चों को ये तीन टॉपिक नहीं पढ़ने, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो दोनों में डिफरेंस है। अब है क्या कि मेरे एप्लीकेशन से बहुत सारे बच्चे जो बैच ज्वाइन कर रखे थे पहले बेसिक साइंस का, उनको अगर ये लग रहा है कि यही बेसिक साइंस इसमें मिलेगा या यही बेसिक साइंस पढ़ लेने से याला बेसिक साइंस कवर हो जाएगा, मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं इसका बेसिक साइंस और इसका बेसिक साइंस टोटली अलग है। इवन मैं आपको क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस काउंट हो वो भी अलग होगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में यहां पर ना हम लोग बहुत ज्यादा इरर है ना, रियर के बारे में नहीं पढ़ते, जैसे कि वो कैलकुलेशन ऑफ इरर होती वो नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पढ़ना होगा। क्योंकि ये जितना भी हमारा चैप्टर लिखे है ना, ये सारा का सारा चैप्टर जो है 12वीं के स्टैंडर्ड का है, और ये सारे के सारे चैप्टर जो है मेरे भाई ये सारे चैप्टर 10वीं स्टैंडर्ड के है। तो इसके ये बीएससी लेवल पे फॉर्म है भाई, ये बीटेक लेवल पे फॉर्म है, डिप्लोमा लेवल पे फॉर्म है, और ये कहा है सर ये आईटीआई लेवल पे फॉर्म है, डिप्लोमा लेवल पे फॉर्म है। तो दोनों का जो लेवल रहने वाला है वो भी सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्लियर है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन में बैच ज्वाइन करें, माई पाठशाला एप्लीकेशन में बैच ज्वाइन करें, वो लोड एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो बैच ज्वाइन करना है वो टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए ज्वाइन कर रहे हो या फिर लोटो पायलट के लिए ज्वाइन कर रहे हो। अगर दोनों के लिए भी ज्वाइन कर रहे हो तो टीम को जरूर प्रॉपर बताएं कि सर मैं दोनों के लिए बैच ज्वाइन कर रहा हूं, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। एक और मुझे आपको बात क्लियर करनी है, आपको पता है कि मेरी बेसिक साइंस की बुक चलती है,
और ये बुक उस समय बना ली गई थी जब लोटो पायलट का फॉर्म भी नहीं आया था, क्योंकि हमें पता था कि बेसिक साइंस आने वाला है। अब जितने भी बच्चे ये बुक को ऑर्डर करें तो मैं आपको बता दूं, ये बुक मेरी जो बनी है ये ALP के बेसिक साइंस के अनुसार बनी है। ये बुक अभी ALP के बेसिक साइंस के अनुसार बनी है। जब इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 के अनुसार बनेगी तब मैं इसको वापस से आपको पब्लिश करके बताऊंगा कि भैया टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी आप बेसिक साइंस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बुक को ऑर्डर करने से पहले ध्यान रखना ये बुक जो है सिर्फ लोटो पायलट के बेसिक साइंस के लिए बनी है। ठीक है, तो ये बात, ये जानकारी मुझे आपको देना जरूरी था। बहुत सारे मेरे पास बच्चों का फोन आ रहा था, बहुत सारा कंफ्यूजन था, टीम टू भी कंफ्यूजन था, मैंने सोचा मैं खुद आकर आपको ये बात समझा देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन कर लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ है वो सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। मेरे भाई माई पाठशाला एप्लीकेशन में अलग अलग बेसिक साइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेड 1 का टेक्नीशियन का बैच हो या ग्रेड 3 का बैच हो, ALP का फाउंडेशन बैच हो, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है वो सारा का सारा बैच जो है 600 में ही आपको आज और कल में मिल जाएगा। बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारे बेसिक साइंस से बैच ज्वाइन करेंगे उसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है, जो ग्रेड 1 के लिए मैथ है, बच्चों मैथ का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1, अरा ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 बेसिक साइंस, ये सब बैच स्टार्ट हो चुके। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैपिटल में लिखिएगा, कैपिटल में लिखिएगा YOGI10। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत टीम को फोन भी कर सकते हैं 9696102411, इसके अलावा 6393125760। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन थी बेसिक साइंस को लेकर वो क्लियर कर दी। आपको ये जो कूपन कोड मैंने बताया ये इस जगह पे यूज हो रहा, जब ये आपसे मारेगा हैव यू प्रोमो कोड, और यहां अप्लाई का बटन क्लिक कर देना तो 2400 का दाम सीधा सीधा 600 में मिल जाएगा। और ये 600 में कंप्लीट है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 पूरा और टेक्नीशियन ग्रेड 2 पूरा। अकेले बेसिक साइंस आप लोगे तो वो 499 में ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो रही होगी, फिर भी अभी किसी तरह का कोई डाउट है आपको सिलेबस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।